वेलकम टू माय चैनल प्रो पाप योग डॉट कॉम। व्यूअर्स, आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप ASL में घर बैठे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल सा और सिंपल सा और आसान सा तरीक़ को बताऊँगा, आप अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन ASL में अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कहीं स्किप नहीं करना। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग छोटी दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में देखिए बेल के आइकन को दबाएं। देखिए व्यूअर्स, जब आप ASF की वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने पहले साइन अप किया हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड देना और यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई कर लेना। अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ पर आप नीचे साइन अप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना नेम देंगे, फादर नेम देंगे, टेस्ट सेंटर देंगे, डोमिसाइल देंगे, डिस्ट्रिक्ट देंगे, CNIC देंगे, सेल नंबर देंगे, ईमेल देंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे और कन्फर्म पासवर्ड करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो साइन अप हो जाएगा। और उसके बाद आपने नीचे साइन इन पर देना है। ठीक है, साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइन इन पेज आ जाएगा। यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले साइन इन कर लेता तो फिर आपको आगे स्टेप बताता हूँ। व्यूअर्स, जैसे ही आप अपना आप वहाँ पर साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उस तरह ऊपर ये पूछ रहा है कि यूअर प्रोफाइल इज क्रिएटेड, क्लिक हियर टू फिल पर्सनल एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पर्सनल और अकेडमिक जो इन्फॉर्मेशन की डिटेल है वो आपने यहाँ पर फिल करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है जी सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करो, तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल पिक्चर ऐड करता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने जब अपना साइन अप किया था तो उस पर यहाँ पर मैंने टेस्ट सेंटर भी दे दिया था, डोमिसाइल भी दे दिया था, डिस्ट्रिक्ट भी दे दी थी और उसके बाद नेम भी दे दिया था और उसके बाद ये फादर नेम यहाँ पर लिखा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लूँ तो आपको मैं साथ साथ इसमें अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आप लोग फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर हो गई। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंटर हो गई। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर नीचे शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर आपने कास्ट लिखनी है। ठीक है, जो भी आपकी कास्ट होगी, यहाँ पर मैंने कास्ट भी लिख दी। और उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लें, मेल है फीमेल है। तो उसके बाद नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है अपना, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे ही आपको अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, तो जस्ट अप्लाई करने का तरीका। उसके बाद ये दो मोबाइल नंबर दे दिए। उसके बाद रिलीजियस आपने लिख देना, मैं मुस्लिम नॉन मुस्लिम। उसके बाद नीचे आपने अपना एड्रेस लिख देना। ठीक है, मैं यहाँ पर एड्रेस लिख दूँ कोई भी, आपने अपना सही एड्रेस देना। ठीक है, आपने अपना सही एड्रेस देना, मैं सिर्फ आपको अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं जी परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आपका अपने सेम। ठीक है, जो आपका परमानेंट एड्रेस हो तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन पूछ रहा है तो आप यहाँ पर कर दें एज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम, अगर आप करना चाहते तो कर लें। उसके बाद डू यू प्रोसेस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, नो अगर है तो कर दें, अगर नहीं तो नो। डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आपने अपडेट पर क्लिक कर देना। ठीक है, अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अपडेट होने के बाद आपने मज़ीद इसमें जो है द पिक्चर मस्ट बी 20 KB, पिक्चर जो है आपकी वो पूरी, यहाँ पर एरर आया है कि पिक्चर आपकी जो है वो 20 KB से कम होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, मैंने वहाँ पर दोबारा 20 KB से कम वाली पिक्चर ऐड कर ली है। तो यहाँ पर मैं दोबारा अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो अब देखते हैं क्या होता है कि अपडेट होती है या नहीं होती। तो यहाँ पर देखें जी लोडिंग, जी देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। यहाँ पर सेलेक्ट डिग्री करेंगे, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या मतलब कि मैट्रिक किसको कहते हैं, डिग्री नेम, यहाँ पर आप मैट्रिक कर सकते हैं मैट्रिक। ठीक है, लेकिन मैट्रिक रिज़ल्ट डेट यहाँ पर आपने लिखनी है जी, रिज़ल्ट यहाँ पर लिखेंगे आप जो आपके रिज़ल्ट की डेट होगी। तो यहाँ पर रिजल्ट की डेट पढ़ दें कोई भी। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट जब आया था वहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, जहाँ पर जहाँ से आपने की है। ठीक है, जहाँ से आप लोगों ने जो की है जी वहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम
यहाँ पर टोटल मार्क्स, टोटल नंबर कितने थे मैट्रिक में, 1050, और लिए कितने हैं जी आप लोगों ने वो लिख देने हैं। मैंने यहाँ पर वो लिखे और यहाँ पर सेव। इसी तरह आपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव करते जाना है अपनी, जितनी भी आपकी एजुकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मज़ीद एजुकेशन है, मतलब कि FSC की हुई है, तो वो लिखेंगे। डिग्री नेम जो भी किया हुआ, जो भी आपने किया होगा वो पूछेगा आपसे डिग्री नेम में। ठीक है, डिग्री नेम, रिजल्ट डेट आप यहाँ पर कर दें। यहाँ पर रिजल्ट डेट हम कर देते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट लिख दें, इंस्टीट्यूट लिख दें। उसके बाद टोटल मार्क कितने थे जी, उसके बाद ऑब्टेन मार्क, ठीक हो गया, ये एंटर हो गई। उसके बाद ये भी सेव कर दे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन की फील्ड एंटर करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी FSC तक एजुकेशन जो है वो एंटर हो चुकी है। उसके बाद अगर आपका BA है तो आप BA भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मतलब कि जाता हूँ, BS लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ये यहाँ पर डेट, रिजल्ट डेट यहाँ पर कर देंगे आप लोग, जो भी आप लोगों ने करनी है। मैंने वो कर दी, इंस्टीट्यूट ने वो कर दिया, ठीक है। टोटल मार्क्स 800 थे, ठीक है। उसके बाद 441 पेड मार्क्स, और यहाँ पर सेव कर दे। इसी तरह आपका अगर एम ए तो आप एम ए भी अपना सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन सेव हो गई। आगे के मरले पर जाते हैं। आगे का मरला क्या है, यहाँ पर देखें आपका जो है एजुकेशन रिकॉर्ड वो सेव हो चुके हैं। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है तो वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड अगर आपका है तो वो आप लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद ये सब कुछ अगर सेव हो गया तो उसके बाद आप लोगों ने आना है ऊपर, यहाँ पर करना है क्लिक, अप्लाई पर आपने कर देना क्लिक, ठीक है। अप्लाई पर क्लिक कर देना, ठीक है। जब ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी तो यहाँ से आपसे पूछेगा, प्लीज़ मेक श्योर टू ऑल इंफॉर्मेशन आफ्टर सबमिशन वन सेलेक्ट फॉर द पर्सनल इंफॉर्मेशन विल नॉट बी एडिटेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं वो पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट यहाँ पर कॉर्पोरल, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नैब का सेड लैब अटेंडेंट व्हीकल, यहाँ पर कॉर्पोरल और ASI पर आप अगर दोनों क्लिक करना था, दोनों पर कर, जितने पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपका क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी सब कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड, और यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई पर क्लिक कर देना तो आपकी जो है अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने मैसेज भी आ जाता है, अभी अप्लाइड सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुली अप्लाइड, यहाँ पर आपकी जो है अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर देखें पोस्ट अप्लाइड ASI आ गया है और कॉर्पोरेट, यानी कि मैंने इन दोनों पर अप्लाई कर दिया। तो ये तभी अगर ऑनलाइन अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका। मैंने बाकी यूट्यूबर से थोड़ी लेट वीडियो बनाई है, उसका ये वो इसलिए बनाई है कि वेबसाइट नहीं चल रही थी, तो अब वेबसाइट चल रही है तो मैंने आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बता दिया है। तो ये सा सिंपल सा तरीका। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ज़्यादा। Thank you.